नमस्कार दोस्तों, एग्जाम काट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। चिन्हित करेगा, यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। दो, लद्दाख ने लॉन्च किया पानी माह, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। लद्दाख सरकार ने हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। पानी माह अभियान तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाएगा, पानी की गुणवत्ता परीक्षण योजना और पानी की आपूर्ति की रणनीति और गांवों में पानी सभा के निर्बाध कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना है। टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन एचएफ में आया है। बायोबैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवंशिक चयापचय और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खुला है। चार, बिजली मंत्री ने शुरू किया नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाणन कार्यक्रम। बिजली मंत्री आर के सिंह ने नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर को नियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार लॉन्च किया। पाँच, भूटान में मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। छह, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खोला हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। यह खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है। ₹25 लाख का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज और ऑन कॉल आपातकालीन एम्बुलेंस चिकित्सा देखभाल सेवाएं। सात, SBI जनरल ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए सहेपे के साथ की साझेदारी। भारत की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनियों में से एक SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैक बढ़ाने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ की घोषणा की। मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस का सबसे तेजी से बढ़ता तकनीक सक्षम वित्तीय समावेशन मंच सही पे अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में ग्राहकों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। आठ, जॉन अब्राहम बने MotoGP ब्रांड एम्बेसडर। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड समाप्त कर दिया। 10, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में जीता कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक मैच जीता है। छात्रों, हमने आपका समय बचाने के लिए इस सुपर अच्छे वीडियो प्रदान कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर मुफ्त PDF और एग्जाम कार्ड द्वारा प्रदान की गई अध्ययन सामग्री के लिए फॉलो करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपना ख्याल रखें।